ना ये जो मागी कसम, उसके ऊपर मैंने भी एक दुल्हन के चार वीडियो डाले थे, आपने उसको डिसलाइक किया था मुझे पता है। और अगर आपने डिसलाइक किया तो फिर इसका मतलब भेदभाव हुई हो। अगर आप शिवानी और वो सौरभ जोशी को ऐसे करते हो, क्या बोलना चाह रही हो? भेदभाव जो आखिर करते बोलना क्या चाहते हो? अरे जो माँ की कसम मत दिया करो हमको, अब साफ बोलो ना, हमारे ना भेदभाव मत किया करो। माँ की कसम, दर्द चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ना भाई ये सब नहीं करना चाहिए। होता है और अपराध होता है, और माँ यानी ब्रह्मा का भी होता है जिन्होंने पुरुष को बनाया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे अब लोग, है ना? अब माँ की कसम नहीं देंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ जल्दी आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी तरह हरी भरी होंगे, हरे भरे होंगे। तो सुबह की शुरुआत बहुत लेट के साथ हुई है ब्लॉगिंग की शुरुआत, एक्चुअली सुबह की शुरुआत तो बहुत जल्दी हो गई, बिकॉज आज था मंडे, आज जाना था सबको मंदिर, लेकिन कोई नहीं गया, न माही गए न पीयू गए। माही संडे और सैटरडे गए हैं, पीयू भी, और फिर साहब हमारे मंडे को गए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। मैं घर के कामों में रही व्यस्त, काम वाम को निपटाने के बाद फिर मैं भी गई मंदिर, फिर बनाई खाई, फिर हमने बहुत सारे काम किए, और फिर क्या चाट रहा है फोन में, फोन में क्या चाट रहा था तू? ये क्या रे, सेटिंग करवा दोगे? ये क्या देखती है लड़की? ये कितनी असलीन अपमान बातें देखती है ये लड़की, लगता है ये बिगड़ चुकी है। क्या बनाती है ये देखो, नींबू चाय। ये पहले उस घर में यानी ऐसे अच्छे से बनाती थी, उस घर में मेरी पसंद की चीनी भी डालती थी, मिश्री भी डालती थी। क्या है ये, कोई सेंस है इस बात का? अंदर पानी है गाइस, मैंने पानी लेके आया था। ऐसे कौन करता था बचपन में? गुदगुदी होने लगता है। ये कौन करता बचपन में? मेरे होंठ में ही गुदगुदी होने लगती, मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे कौन करता? मेरे सब्सक्राइबर प्लीज सपोर्ट, मुझे भी सपोर्ट करो। समझ गए आप लोग? पर अगर मारू ना दिल का कच्चा, अब क्यों मारेंगे मैं? ये गाइस इसकी कुटाई लगी है, देखना। ए गाइस मैं आपको देखो, गाइस देखो, गाइस देखो, गाइस ए कॉपी का गिफ्ट है, ये पियो का गिफ्ट है। नहीं नहीं गाइस, नहीं नहीं, ये निकाय झूठ तो बोला। किसी का गिफ्ट फिफ्ट कुछ नहीं है। हाँ मैं जाऊंगी, लग जाएगी मेरे मुंह में, उठाएगी क्या अपना मुंह मेरे मुंह में, घुसा घुसा के बात करेगी क्या? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, पी हुआ सच्ची बता रही, गुस्सा ही फूक लगा दी। हे गाय गाय भैंस
भैंस भैंस तो अगर आप घर में रखे रखी सड़ रहे हो तो इसके लिए ना मेरे पास आने, मेरे पास सबका सॉल्यूशन है। मुझे ना एक, मैं आपको ना आज से मैं आपकी बच्ची हूँ जो मुझे सब आते है। देखो माँ आप रखो ना, थोड़ा सा उठ भी गई थी मैं। क्या है ये बताओ, क्या कहना क्या चाह रही हो? गाइस देखो मैं पूरी कहानी सुना तो मैंने बोला मम्मी कर दू मजाक कर रहा मम्मी से, यार कन्फर्म ऑर्डर पर दबा दी। अब ये हो गया कन्फर्म, देखो 830 रुपए का सामान है, कन्फर्म हो गया ऑर्डर। एक स्मार्ट वॉच थी जो आप लोगों को देखा। तो क्या वो कैंसिल नहीं हो सकता है? अरे तो कैंसिल कैसे हो जाएगा, होगा शिप बना रखे हो। आई कैंसिल करो भाई, पापा जो कहेंगे वो होगा, तुम लोग जो कहोगे वो नहीं होगा, समझ गए? अरे क्या क्या रे, कैसे कर रहे हो? अरे वाह वाह वाह, ये क्या हुआ गाइस? देखो कितना परेशान कर रखी है, किस लिए कर रखी है? स्मार्ट वॉच के लिए। अब क्या फायदा हुआ स्मार्ट वॉच का? कल चलेंगे, कल दिलवा देंगे। कल चलेंगे, कल दिलवाएंगे ना। तुम्हारा क्या है, क्या तुम्हारा रो रही है भाई स्मार्ट वॉच के लिए? मैं कह रही हूँ कि कल चलेंगे मार्केट तो कल दिलवाएंगे, कल चलेंगे, कल दिलवाएंगे। हाय फ्रेंड्स, स्वास्थ्य पे निबंध लिखना था मेरी बेटी को। स्वास्थ्य अब मेरी पीयू क्या कह रही है, हमारे स्वास्थ्य ही हमारा धन है, हमारे स्वास्थ्य के चार पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, जिससे वो सुनने का काम करती है। तो हमारा स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अभी घूमने गया है, कभी कभी घास चरने भी चला जाता है। मेरा स्वास्थ्य जैसे कि आज गया है, क्योंकि आज मेरा पेट खराब है, तो मेरा स्वास्थ्य देखो घूमने गया है। धुक झुक कर रहा है, इसको घाव हो गया, चोट लगा के आया है, चोट नहीं लगाया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसको सांड पटक दिया है। ये गांव गया था ना, ये गांव गया था गांव, तो वहाँ ना वहाँ एक गाय थी नू, तो गाय को नू मेरी सास बोली नू कि इसे बस देखते रहना। तो गया नू वहाँ पर गाछी में देखने के लिए, तो सांड चला आया उसके पास, तो फिर उन्हू वो सांड उठा कर पटक दिया इसको। ये नू नू क्या नू नू स्मार्ट पुतो है मेरे सपने की रानी। मेरे सपने की रानी है, देख लो स्वास्थ्य धन है का निबंध इसको लिखना था, तब वो सर्च जब करी है तब आ गया है मेरे सपनों की रानी। ये सब बकवास मत देखा करो भाई। तो फिर गाय को बचाने के लिए आ ही गया, गुस्से में सांस ले तेरी हालत, मैं क्या ही बोल रही हूँ, जब पेट खराब तेरा होगा, जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ, झगड़ा के बताया था ये तो पागल कहीं की, क्या अपने मर्जी से लिखो। तो हमारी सांस ने उठा के पटक दिया, जो कि आपके लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो।
क्योंकि हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, चाहे उसके उसके बॉडी से ही हो, उसको मतलब कुछ उतार चढ़ाव हो या फिर उसका मेंटली कुछ उतार चढ़ाव हो। एक एक आंख दिख रहा है खाना जैसा। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए स्वास्थ्य का अपना एक नजरिया है, लेकिन मुंह मल चटनी खाओ बाबा सिर हो जाएगा। मोमोज वाली चटनी खाओगे तो भाई बाबा सिर हो जाएगा। तब ना इसको सांप उठाकर पटक दिया था बड़ी तेज, पटक दिया तो सौंसे में फोड़ के आ गया, सौंसे कमर हाथ मुंह सब जगह जहाँ जहाँ लगी है वहाँ वहाँ छिछरा गया। तो छिछराने के बाद दवाई वाई खाया है, मलहम लगा रही हूँ ठीक होने के लिए, दाग हो गए थे, सूख तो गया है लेकिन दागे नहीं ठीक हो रहा है, तो उसी के लिए छछरा गया था ना। तो उसमें जानते हैं जब ये बात ये पूछा मम्मी मुझे ना साढ़ क्यों दौड़ा दिया था इतनी तेज, तो इसके दादा एक्सप्लेन करते हैं। ये गांव गया हुआ था तो दादू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे प्रेमिका के पास प्रेमी जाता है और जब कोई उसको रोकता है तो उसको कितना गुस्सा आता है, गुस्सा से लाल हो जाता है, क्या चीर दूँ फाड़ दूँ, उसी तरह से सांड को, सांड की प्रेमिका है गाय, अब उसके पास जा रहा था तुम उसको रोकने लगा तो तुमको उठा कर पटकने लगा, वो पटका नहीं था एक्चुअली वो दौड़ाया था इसको, तो क्या हुआ ये भगने लगा डर के मारे, बस ये लुधड़ते पुधड़ते लुधड़ते पुधड़ते एक एक अजीब तरीके से उधर पुधड़ गया। 8,500 का नुकसान हो गया मेरे, ये गिरा फोन गया, 8,500 का वो फोन है, 15,000 चपेड़ मारूंगी, 15,000 समझ गए, 15,000-18,000 रुपया वो फोन, 5,000 का है तो अभी का रेट जोड़ेंगे कि जब जब खरीदाएगा तभी का जोड़ाया जाएगा। बात देख लो कितना होशियारी है, चलो जो भी हो। तो देसी तरीके से मैं भुट्टा भून रही हूँ और इस भुट्टे पे आपका स्वागत है, मुंह भी दिखाओ भाई भुट्टे पे आपका स्वागत है। देखिए मैं कैसे भुट्टा, भाई भुट्टा तो भुट्टा मन तो करता है हर किसी को खाने का, भी इतना टेस्टी होता है और उतना सारा प्रोसेस तो यहाँ होने से रहा है ना, गांव वाला वो ऐसे ऐसे करके होंक के पंखा और कोयले की आग पे भुट्टा बनाओ, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसके टेस्ट में थोड़ा अंतर होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन लेकिन मन तो मन ही है, क्या ही कहा जाए, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा में है जी, इसलिए मैं इसको देसी तरीके से पका रही है। देख देसी देसी ना बोला का छोरी रे छोरा रे, इस देश की दुनिया फैन ये देसी हो भाग वे करा दी दी पकड़ पकड़ चल गया चल गया, दुनिया बोला कर छोरा रे, अगर ये जगह मिला ना देसी गर्ल्स की फैन ये दुनिया हो री रे, आप गर्ल्स हो औरा औरा तू है औरा का बच्चा है तो सब होते हैं, ले जा लोग बने हमको नहीं आता गाइस। हे गाइस दिल तो बच्चा है जी, माँ ही कच्चा है जी, बग गया माँ ही कच्चा में है जी, और उसका फरमाइश है पहले भुट्टा खाऊंगा फिर मैं खाना खाऊंगा। देख लो भाई स्कूल से आए हैं और ये देखो ये देखो ये कहाँ लगे पड़े हैं दोनों, पीयू तो खास करके खून में लगी पड़ी है, ये देख लो मानने को राजी नहीं है और फरमाइश है भुट्टा खाने की, तो मैं बना रही हूँ भुट्टा और ये लोग पका रहे हैं मेरे दिमाग को भुट्टे की तरह, मैं बार बार मना कर रही हूँ सुनते ही नहीं है। चलो मिलती हूँ आपसे भुट्टा खा के, यहीं पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, मैं बच्चों को ले जाई खिलाई पिलाई खाना पीना भुट्टा भुट्टा सब कुछ, मेरे किटोरा नहीं सो रही की एक्टिंग कर रही है, कुछ तो बोल मुंह तो खोल। एक तो गाना हमको याद आया, तो गाइस तो, आपको गाना पता है वो कौन सा गाना है, कौन सा है जिसके हाथ पोपट, जिसके हाथ में हो पोपटिया वो है सबसे बड़ा चौपटिया, जिसके हाथ हाँ हाँ ये क्या है क्या क्या गाना। सो गाइस मैं ब्लॉग यहीं पे एंडिंग करती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चुलबुला अंदाज में मेरी बेटी की वीडियो को सब्सक्राइब करो, हाँ जितना फील पीला हाथ मैं ज्यादा पीला पीला मत करो यार यहाँ गीला गीला हो जाएगा। सो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में,
उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तो और मेरे साथ अपना ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी किटोरानी के साथ। आ जाना किटोरानी, किटोरानी। और आज मैं सुबह सुबह उठी थी, खूब सुबह 5 बजे सुबह उठी थी। 5 बजे सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके बर्तन तन धो के नहा धोवा के ठाकुर जी की पूजा करी, सेवा करी और खुश था, अच्छा लग रहा था। फिर बच्चों को उठाया, देखो मेरे हाथ का दाग अभी तक ठीक नहीं हुआ। देखो मेरी बेटी को, देखो मेरी बेटी क्या कह रही है। इनको क्या हुआ? ये तो मुझको भी होता था। इधर क्या कहना चाहती हो तुम? इधर मैं कहना चाहती थी कि मेरी बेटी को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ना सर ऋषि का ब्लॉग देखा है ना, ये बोल रही थी कि वो लड़का है ना, लड़की है ना, तो क्या कुनाली लड़की है? बताना आप, आपने सर ऋषि का तो ब्लॉग देखा ही होगा। ये मम्मी मम्मी को तो लत लग गई है, यानी कि जैसे कि खाना की लत लग जाती है ना, चार भुट्टा है ना, उसमें से एक भुट्टा खाया था ना, तो ऐसे एकदम लत लग गई है एक एक दाने के सौर जोशी का। हाँ मुझे अच्छा लगता सब लोग। और शिवानी को तो आप भूल गए। शिवानी ब्लॉग नहीं डालती। हाँ ब्लॉग नहीं डालती, बाकी ब्लॉग नहीं देख सकती। तो मैं अपने ब्लॉग की पेंडिंग करती हूँ। आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यार आप सब सब यूट्यूबर को लाइक करते हैं यार, हम क्या भिखारी हैं जो आप हमको नहीं करते हो? हमको भी करो, पर हम भी तो एक इंसान है, नहीं होती है थोड़ी कि जानवर है तो फिर नहीं करोगे, तो जानवर है तो फिर नहीं लाइक करोगे, नहीं सब्सक्राइब करोगे, करना चाहिए यार। आप बाकी यूट्यूबर में हम लोग भेदभाव क्यों करते हो? सौर जोशी को देखो, शिवानी को देखो, इतने सारे यानी कि मम्मी कितने 10 मिलियन है शिवानी के, और सौरभ जोशी के तो 1000 हैं, 22 मिलियन। हाँ हाँ, तो ये देखो क्या कहना चाहती है कि आप भेदभाव क्यों करते हैं, आप लोग भेदभाव ना करें और हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, है ना? चुप हो जाइए ना, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए। फिर उसके बाद ये जो शॉर्ट्स, जब यानी बच्चे का तो फेवरेट शॉर्ट्स ही होता है, मैं भी वही हूँ, शॉर्ट्स मैं देखती हूँ रोज, जब भी फोन लेके नहीं देखना चाहिए शॉर्ट्स। अरे सुनिए, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि शॉर्ट्स ना देखे बच्चे। कहीं ना सुन रही हूँ,